तो ही व्हाट्सअप गेमर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज़र आज की इस वीडियो में गाइज़र मैं आपको बताने वाला हूँ, गाइज़र माइनक्राफ्ट के अंदर गाइज़र आपको इतनी सारी बायोम्स देखने को मिलती है, लेकिन क्या गाइज़र आपको इन सारी बायोम्स के नाम पता है? गाइज़र शायद से गाइज़र आपको पूरी बायोम्स के नाम नहीं पता होगे, लेकिन गाइज़र आज की स्टूडियो गाइज़र मैं आपको माइनक्राफ्ट के अंदर आपको जितनी बायोम्स देखने को मिलती है गाइज़र उन सारे बायोम्स के आज मैं आपको नाम बताऊँगा और गाइज़र इसके अंदर गाइज़र आपको क्या चीज़ खास देखने को मिलती है। तो गाइज़र वीडियो गाइज़र काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो गाइज़र जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज़र अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो गाइज़र जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो गाइज़र साइड में आपको बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है गाइज़र उसे भी जरूर से प्रेस कर देना, जिससे गाइज़र आप मेरी एक भी वीडियो कभी भी मिस ना कर पाओ। तो चलिए तो गाइज़र आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़र सबसे पहली जो बायोम है गाइज़ वो बायोम है गाइज़ प्लेन्स। तो गाइज़र ये बायोम है गाइज़ आपको पता ही होगा ये बायोम के बारे में। तो गाइज़र ये जो बायोम है गाइज़ सबसे ज़्यादा कॉमन बायोम है, मतलब कि गाइज़र ये वाली जो बायोम गाइज़ आपको स्पॉनिंग टाइम पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जब भी आप आपका वर्ल्ड क्रिएट करते हो। इस बायोम के अंदर गाइज़ आपको ढेर सारे मॉब्स देखने को मिल जाते हैं, कहते ज़ॉम्बी हो गया, स्केलेटन वगैरह, क्रीपर। उसके अलावा गाइज़र इसमें आपको पिग्स, काउ, शिप, हॉर्स वगैरह ढेर सारी इसमें आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। और गाइज़र इसके अंदर गाइज़ आपको सर्वाइव करना गाइज़ एकदम सिंपल सा रहता है। और गाइज इस बायोम के अंदर गाइज आपको एकदम प्लेन वाली एकदम बायोम देखने को मिलती है, मतलब कि जो इसके अंदर आपको ज़मीन देखने को मिलती है गाइज वो सारी प्लेन रहती है। उसके अलावा गाइज इसके अंदर आपको रिवर हो गया, ट्रीज़ वगैरह आपको ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो गाइज ये तो रहे गाइज हमारे यहाँ पर फर्स्ट बायोम, अब बढ़ते गाइज हमारी नेक्स्ट बायोम के ऊपर। तो गाइज जो हमारे पर नेक्स्ट बायोम गाइज इस बायोम का नाम है फॉरेस्ट। तो गाइज इस बायोम को गाइज आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, इस प्लेन के साथ ही देखने को मिलती है, मतलब गाइज ये बायोम जहाँ पर ये प्लेन्स रहते गाइज उसके साइड में गाइज आपको यहाँ पर फॉरेस्ट बायोम देखने को मिल जाती है। इसके अंदर गाइज आपको फॉरेस्ट बायोम के अंदर गाइज आपको ढेर सारे यहाँ पर ट्रीज देखने को मिलते हैं, पूरे मतलब झाड़ी झाड़ से भरा ही रहता है, पूरा एक जंगल ही रहता है समझो। और गाइज इसके अंदर गाइज आपको ढेर सारे मॉब्स देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर गाइज आपको ज़्यादा ज़ॉम्बीज देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ट्रीज रहते हैं, जिससे गाइज यहाँ पर मतलब जो सन की जो मतलब रे रहती है गाइज वो यहाँ पर आ नहीं पाती है, जिससे गाइज यहाँ पर आपको ढेर सारे ज़ॉम्बी देखने को मिलते हैं। बाकी गाइज इसके अंदर आपको इतने सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं जिससे गाइज आप अपना बेस गाइज बहुत ज़्यादा तगड़ा बना सकते हो। तो गाइज ये तो रही हमारी सेकंड बायोम, अब बढ़ते गाइज हमारे यहाँ पर नेक्स्ट बायोम के ऊपर। तो गाइज जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट बायोम गाइज इस बायोम का नाम है गाइज जंगल बायोम। तो गाइज जंगल बायोम गाइज एक बहुत ज़्यादा रेयर बायोम है, ये गाइज आपको बहुत जल्दी से देखने को नहीं मिलती स्पॉनिंग टाइम के ऊपर। और गाइज इस बायोम की अगर खास बात करें तो गाइज इसके अंदर गाइज आपको एक जंगल टेम्पल देखने को मिलता है जो कि इधर बहुत ज़्यादा रेयर है गाइज, वो मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉनिंग में मतलब गाइज बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है जंगल टेम्पल, जो कि इधर बड़ी आसानी से आपको देखने को नहीं मिलता है। और गाइज दूसरी जो इसकी खास बात है गाइज वो रहती है गाइज इसके अंदर आपको गाइज यहाँ पर वुडलैंड मेंशन देखने को मिलता है, जो कि सर वो भी गाइज बहुत ज़्यादा एक रेयर चीज़ रहती है वुडलैंड मेंशन मिलना। और गाइज यार वुडलैंड मेंशन के बारे में तो गाइज यार आप सभी लोग को पता ही होगा। और गाइज बात करें गाइज इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो गाइज इसके अंदर गाइज आपको बैम्बूस के ट्रीज देखने को मिलते हैं, कोको बीज देखने को मिलती है, और गाइज साथ में इसके अंदर आपको इस पांडा देखने को मिलता है, जो कि इधर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइज अब बढ़ते गाइज हमारे यहाँ पर नेक्स्ट बायोम के ऊपर। तो गाइज जो हमारे पर नेक्स्ट बायोम गाइज वो एक माउंटेन बायोम है, जो कि अगर आपको पता ही होगा ये आपको ढेर सारे गाइज यहाँ पर आपको माउंटेन देखने को मिलते हैं गाइज, इसे हम माउंटेन बायोम कहा जाता है। और गाइज इस बायोम की अगर खास बात करें तो गाइज इसके अंदर गाइज आपको यहाँ पर ढेर सारे माउंटेन देखने को मिलते हैं, जो कि इधर स्टोन और या फिर ग्लेवल से गाइज ये भरे रहते हैं। और गाइज इस बायोम के अंदर गाइज आपको यहाँ पर शीप्स वगैरह ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। तो गाइज जो हमारे पर नेक्स्ट बायोम गाइज वो एक डेजर्ट बायोम है। तो गाइज आपको पता ही होगा गाइज ये रेगिस्तान वाला मतलब रेतीला वाला, तो गाइज ये हमारे डेजर्ट बायोम है जिसके अंदर गाइज आपको यहाँ पर सैंड सैंड स्टोन वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ में गाइज इसके अंदर आपको यहाँ पर डेजर्ट का जो विलेज देखने को मिलता है गाइज वो भी गाइज बहुत ज़्यादा एक मतलब अच्छी बात रहती है। और गाइज इसके अंदर अगर मॉब्स की बात करें तो गाइज इसमें आपको यहाँ पर डेजर्ट वाले ज़ॉम्बी देखने को मिल जाते हैं, और तो गाइज इसके अंदर गाइज आपको यहाँ पर रैबिट भी देखने को मिल जाते हैं। साथ में गाइज अगर इसकी खास बात करें तो गाइज इसके अंदर गाइज आपको मिलता है डेजर्ट टेंपल, जो कि इधर बहुत ज़्यादा यूनिक रहता है। इसके अंदर गाइज आपको बहुत ज़्यादा लूट वगैरह देखने को मिल जाती है, और गाइज अगर गाइज आपको मिलता है तो गाइज बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइज जो हमारे पर नेक्स्ट बायोम गाइज उसका नाम है टाइगर बायोम। तो गाइज टाइगर बायोम तो आपको पता ही होगा गाइज ये इतने बड़े बड़े जो आपको डार्क ट्रीज देखने को मिलते हैं गाइज ये आपके यहाँ पर टाइगर बायोम रहती है। और गाइज अगर इस बायोम की खास बात करें तो गाइज इसके अंदर गाइज आपको यहाँ पर विलेजर आउटपुट ज़्यादातर इसी के अंदर देखने को मिलता है, साथ में गाइज इसके अंदर आपको विलेज भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, एकदम ब्यूटीफुल विलेज देखने को मिलता है। और अगर मॉब्स की बात करें तो गाइज इसके अंदर आपको वुल्स, फॉक्स और स्वीट बेरीज और विलेजर ढेर
सारी चीज़ें गाइज इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और गाइज इसकी जो खास बात रहती है गाइज वो रहती है इसके अंदर जो आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा जाइंट रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं, जो कि इधर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइस जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट बायोम गाइस वो है स्नो बायोम। तो गाइस आपको पता ही होगा स्नो बायोम क्या होती है, यहाँ पर आपको जो सिंपल सा एरिया रहता है उसके अंदर आपको ढेर सारी स्नो देखने को मिलती है। तो गाइस इन सारी स्नो को आप लेके जा सकते हो, आप सवल से इनको तोड़ के ले जा सकते हो। उसके अलावा इधर इसके अंदर कोई मतलब खास बात तो नहीं रहती है, बस आपको एक स्नो वाला विलेज देखने को मिलता है जो कि इधर बहुत ज़्यादा यूनिक रहता है, और इग्लू भी देखने को मिल जाता है इधर इसके अंदर। और अगर खास बात करें तो गाइस इसके अंदर आपको पोलर बियर हो गया और रैबिट वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ गाइस एक जुड़ा वाला बायोम रहता है जो कि रहता है आइस प्लिक्स। तो गाइस मतलब मैं इसका प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ शायद सही से, तो अब मतलब इसे आइस प्लिक्स ही कहा जाता है। तो गाइस आइस प्लिक्स गाइस ये भी एक मतलब बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ रहती है, आपको आसानी से देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस जो हमारे यहाँ पर आइस प्लिक्स रहती है गाइस इसके अंदर गाइस आपको बड़े बड़े टावर देखने को मिलते हैं जो कि पूरे आइस से बने रहते हैं। गाइस यहाँ पर आपको पूरे साइड पर आइस ही आइस देखने को मिलेगी, आइस वाली रिवर देखने को मिलेगी, और एकदम गाइस ये ठंडा वाला माहौल रहता है यहाँ समझो। तो गाइस अब बढ़ते गाइस हमारे यहाँ पर नेक्स्ट बायोम के ऊपर। तो गाइस जो हमारे पर नेक्स्ट बायोम गाइस उस बायोम का नाम है स्वैम। तो गाइस स्वैम बायोम गाइस एक बहुत ज़्यादा मतलब रेयर बायोम है, आपको आसानी से देखने को नहीं मिलती है। और गाइस इसमें गाइस आपको सर्वाइव करना गाइस बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है, क्योंकि गाइस स्वैम का हिंदी में होता है गाइस दलदल। तो गाइस इसके अंदर जो भी आपको पानी देखने को मिलता है गाइस ये पूरा दलदल रहता है, और इसके अंदर अगर आप जाते हो तो गाइस आपको दिखता भी नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस का। और गाइस इस बायोम के अंदर गाइस आपको मतलब पूरा कीचड़ वाला एरिया ही देखने को मिलता है। और बात करें गाइस इसकी एक खास बात, तो गाइस इसके अंदर गाइस आपको एक बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ देखने को मिलती है जो कि रहता है गाइस यहाँ पर आपका विच का हाउस। तो गाइस जब विच का हाउस रहता है गाइस ये बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है, बड़ी आसानी से आपको देखने को नहीं मिलती है गाइस, बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है। इसके अलावा गाइस इसके अंदर आपको स्लाइम वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस जो हमारे पर नेक्स्ट बायोम गाइस वो है सवाना बायोम। तो गाइस सवाना बायोम गाइस एक बहुत ज़्यादा रेयर बायोम है, ये बायोम गाइस आपको ज़्यादातर डेजर्ट के साथ ही देखने को मिलती है, डेजर्ट जहाँ पर होता है गाइस वहाँ पर ही आपको ये बायोम देखने को मिलती है। इस बायोम के अगर तो गाइस इस बायोम के अंदर गाइस जो आपको विलेज देखने को मिलते हैं गाइस वो काफ़ी ज़्यादा बड़े विलेज रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े विलेज रहते हैं। और इसके अंदर जो आपको ट्री देखने को मिलता है गाइस वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अलग ट्री रहते हैं, रेड कलर के सारे ट्रीज़ रहते हैं इसके अंदर। साथ में गाइस इसके अंदर जो आपको वाटर देखने को मिलता है गाइस वो उसका कलर भी थोड़ा सा अलग होता है, और साथ में इसमें आपको लावा पूल भी देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर गाइस आपको ढेर सारे मॉब्स देखने को मिलते हैं जिसमें से गाइस एक होता है लामास। तो गाइस लामास इसमें आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस जो हमारे पर नेक्स्ट बायोम गाइस वो है मैसा बायोम। तो गाइस मैसा बायोम गाइस एक बहुत ज़्यादा रेयर बायोम है, इसके अंदर गाइस आपको ज़्यादातर कुछ देखने को नहीं मिलता है, बस आपको एकदम खुली सी जगह देखने को मिल जाती है। इसके अंदर गाइस आपको यहाँ पर कैटक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और गाइस ये वाले बायोम गाइस आपको ज़्यादातर यहाँ पर डेजर्ट के साथ ही देखने को मिलती है। इसमें आपको गाइस रेड सैंड देखने को मिल जाती है, और गाइस इसके अंदर गाइस बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन होते हैं नाइट में, क्योंकि गाइस ये एकदम पूरा खुला एरिया रहता है, तो गाइस सबसे ज़्यादा स्पॉन होते हैं गाइस इसी एरिया में। तो गाइस जो हमारे पर नेक्स्ट बायोम गाइस वो है मशरूम बायोम। तो गाइस मशरूम बायोम गाइस बहुत ज़्यादा रेयर बायोम है, ये आपको बड़ी आसानी से देखने को नहीं मिलती है। और इस बायोम की अगर खास बात करें तो गाइस इसके अंदर गाइस आपको यहाँ पर मशरूम ट्रीज देखने को मिल जाते हैं। साथ में गाइस अगर इसकी एक और जो बड़ी खास बात है गाइस वो है यहाँ पर आपको मशरूम काऊ। तो गाइस जो इसके अंदर आपको मशरूम काऊ देखने को मिलती है गाइस वो गाइस बहुत ज़्यादा रेयर मॉब है, बड़ी आसानी से गाइस आपको देखने को नहीं मिलता। गाइस वो जो मशरूम काऊ है गाइस आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगी, उसके अलावा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस जो हमारे पर नेक्स्ट बायोम गाइस वो है नेदर। तो गाइस नेदर भी एक बायोम है, और गाइस ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो गाइस इसके अंदर गाइस आपको यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको नेदर का फोर्ट्रेस देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा गाइस इसके अंदर गाइस आपको ढेर सारे मॉब्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ब्लेस, पिगलेंस, घास्ट और गाइस ढेर सारे। और गाइस इसके अंदर गाइस आपको हर जगह पर लावा ही देखने को मिलता है, जो कि इधर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो गाइस जो हमारे पर नेक्स्ट बायोम गाइस वो है एंट। तो गाइस हाँ गाइस यहाँ पर एंट भी गाइस एक बायोम ही है। तो गाइस एंट के अंदर गाइस आपको पता ही, यहाँ पर आपका गेम एंड हो जाता है, यहाँ पर आपको एंडर ड्रैगन को मारना रहता है। उसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर ढेर सारे एंडर मैन देखने को मिल जाएंगे, और गाइस आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टावर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि अगर एक ऑब्सीडियन से बने रहते हैं। तो गाइस साथ में गाइस इसके अंदर गाइस आपको यहाँ पर एंट सिटी भी देखने को मिल जाती है, जो कि इधर बहुत ज़्यादा रेयर रहता है इसको मिलना, और गाइस इसको ढूंढने में गाइस बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइस जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस अगर इस वीडियो के अंदर गाइस मुझसे अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो गाइस उसके लिए गाइस मैं आपसे अभी से सॉरी मांग रहा हूँ। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो गाइस जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में गाइस आपको जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है उसे गाइस जरूर से प्रेस कर देना, जिससे गाइस आप गाइस मेरी एक भी वीडियो को कभी मिस ना कर पाओ। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।